हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसमें हमको कैसे काम करना होता है, मतलब आप वहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं, वहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी होती है, सैलरी स्केल क्या होती है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपके पास किस टाइप का नॉलेज होना चाहिए और किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है और वहाँ के बेनिफिट्स क्या हैं, हम इन सभी पे बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल सिंपल वे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे काम किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर कौन लोग, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले जो फार्मा इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या तो वो बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, एम फार्मा हो, ठीक है, या बीएससी और एमएससी हो, कम से कम उनको साइंस ग्रेजुएट तो होना ज़रूरी है। तो जो भी साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से हों, बायोटेक्नोलॉजी से हों, माइक्रोबायोलॉजी से हों, वो लोग भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं और अभी कर भी रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम क्या होता है। देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे एक होता है सॉलिड प्रोडक्शन या सॉलिड डोजेस फॉर्म का प्रोडक्शन, जिसमें टेबलेट होती है, कैप्सूल होती है। एक होता है सेमी सॉलिड प्रोडक्शन, सेमी सॉलिड के अंदर आते हैं जो आपके पेस्ट हो गए, ठीक है, या जेली हो गई, ऑइंटमेंट हो गया, लिनिमेंट हो गया, ठीक है। तो जो ट्यूब्स आती हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है इट इज कॉल्ड सेमी सॉलिड। उसके बाद होता है लिक्विड प्रोडक्शन, जो आपके सायरप्स होते हैं, इमल्सन, सस्पेंशन, ये हो गया आपका लिक्विड प्रोडक्शन। और एक होता है पेरेंटल प्रोडक्शन, पेरेंटल मतलब जो आपके पेरेंटल जो आपके इंजेक्शंस लगते हैं उन्हें हम पेरेंटल प्रोडक्शन कहते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे टेबलेट प्रोडक्शन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डोजेस फॉर्म का प्रोडक्शन होता है वो टेबलेट प्रोडक्शन और कैप्सूल प्रोडक्शन होता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा टेबलेट प्रोडक्शन होता है। तो टेबलेट के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट फेसेस होती हैं, जैसे मिक्सिंग होता है, फिल्ट्रेशन होता है, पंचिंग होता है, कंप्रेशन होता है। तो जो टेबलेट होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट फेज से होते हुए प्रोडक्शन होता है, आखिरी में पैकेजिंग हो जाती है। क्लियर हो गई बात। तो आप जब प्रोडक्शन के अंदर काम करेंगे तो इनमें से किसी भी एक फेज के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी ड्यूटी जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मिक्सिंग डिपार्टमेंट में लगा दी जाए, या फिल्ट्रेशन करना हो आपको, या पंचिंग करना मतलब कंप्रेशन करना हो, या कोटिंग करनी हो, या आपको पैकेजिंग में भी लगाया जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर आपको काम करना होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ गए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी टेबलेट का प्रोडक्शन देखना है, आपको केवल एक पर्टिकुलर फेज दे दी जाएगी, उस पर्टिकुलर फेज के अंदर ही आपको काम करना होता है। यहाँ पर हम बात करें सैलरी स्केल की, तो सैलरी स्केल होती है वो अगर हम देखें तो सैलरी स्केल जो होगी एज ए फ्रेशर तो वो होती है 10,000 से 15,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ, ठीक है। 10,000 से 15,000 रुपये बेसिक सैलरी है जो कि इंडिया में दी जा रही है एज ए फ्रेशर को, जब आप फ्रेशर ज्वाइन करते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो सैलरी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप किस टाइप की कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो सैलरी थोड़ी सी आपको बढ़कर मिल सकती है। वहीं आप किसी लोकल इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं जिसके पास जो किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है, जैसे WHO हो गया या आपका USFDA हो गया, ठीक है, MHRA हो गया, अगर वो इसको फॉलो नहीं करती है और उसका प्रोडक्शन जो है या उसका जो भी प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्रीज़ में सेल नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपको सैलरी थोड़ी कम मिलेगी। उसके अलावा बात की जाए कि जो इंटरव्यू होते हैं, खासकर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, एज ए फ्रेशर आपको सबसे पहले बेसिक के ऊपर काम करना है, मतलब आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक से मतलब है टेबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, सारे डोजेस फॉर्म की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, उनके टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, टेबलेट्स के डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स क्या होते हैं, एडिटिव से मतलब है ग्लाइडेंट, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, तो ये जो सारे फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स होते हैं इनके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस, ये किस काम आते हैं और इनके एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मेरे बेसिकली मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इंटरव्यू से रिलेटेड मेरे 2 वीडियोस पहले से पब्लिश हो चुके हैं, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि और भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। तो उन 2 वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ मैंने सिस्टमेटिक वे में समझाया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कि यहाँ पर आपको 3 शिफ्टों में काम करना होता है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ये आपको करना ही पड़ेगा एज ए फ्रेशर। और ये कब तक करनी पड़ेगी, जब तक आप कम से कम एग्जीक्यूटिव लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो जब तक आप एग्जीक्यूटिव लेवल तक प्रमोट नहीं होंगे तब तक आपको इन 3 शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। अब वो एग्जीक्यूटिव लेवल तक प्रमोशन आपका कब तक होता है, कई लड़कों का जो अच्छे होते हैं वो 3 से 4 साल के अंदर
एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, किन्हीं को 5 साल लगते हैं और कहीं तो 10-10 साल तक एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाते हैं और उनको 3 शिफ्टों में काम करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बेसिकली कंडीशंस काफ़ी टफ होती है, क्योंकि यहाँ पर मशीन्स जो है वो कंटिन्यूसली काम करती रहती है 24 घंटे, और आपको बेसिकली मशीनों की मॉनिटरिंग करनी है और वहाँ पर यह देखना है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सिस्टमेटिक वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और जो टैबलेट प्रोड्यूस हो रही है उसमें किसी टाइप के डिफेक्ट्स तो क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो ये आपको टाइम टू टाइम मेजर करते रहना है। तो आपको वहीं पर मशीन के सामने ही खड़े रहना होता है, वहाँ पर आपको स्टूल भी नहीं दिया जाता है, आपको खड़े खड़े ही देखना होता है और टाइम इंटरवल पे आपको जो आपकी टेबलेट है या जो भी डोजेस फॉर्म वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी टेस्टिंग, एक बेसिक टेस्टिंग जो है वो आपको करनी होती है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है जो कि थोड़ी ये तो बेसिक होगी जो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर करनी है, बाकी क्यूसी डिपार्टमेंट में भी इसके सैंपल जाते हैं और वो सिस्टमेटिक वे में वहाँ पर टेस्टिंग करके आपको रिजल्ट बताएंगे। बट बेसिक जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं जो आप विजुअली या फिजिकली चेक कर सकते हैं वो तो आपको वहीं पर ही करने होते हैं, जैसे कि हार्डनेस टेस्ट हो गया, फ्रायबिलिटी टेस्टिंग हो गई, ठीक है, या वेट वेरिएशन टेस्ट हो गए टेबलेट के, तो ये आपको वहीं पर करने पड़ते हैं या वहीं पर परफॉर्म करने पड़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगर गर्ल्स मेरा ये वीडियो देख रहे हों तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़्यादातर बॉयज़ को ही रिक्रूट किया जाता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये काफ़ी हार्ड जॉब होती है, यहाँ पर फिजिकल टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और गर्ल्स इतना ज़्यादा फिजिकल टफनेस नहीं दिखा पाती है, जिसकी वजह से कई फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में केवल बॉयज़ को प्रेफर करती हैं। एक चीज़ तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये 3 शिफ्टों में कंटिन्यूसली वर्क होता है और गर्ल्स जो है वो नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती हैं, जिस वजह से गर्ल्स को केवल जनरल शिफ्ट में बुलाया जाता है। एक रीज़न बहुत बड़ा तो ये है, मतलब 2 रीज़न है, एक तो ये फिजिकल टफनेस तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, और दूसरी चीज़ ये नाइट शिफ्ट वाला मैटर जो है जिस वजह से यहाँ पर गर्ल्स को प्रेफर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा बॉयज़ को ही प्रेफर करता है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पर अगर अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बेसिकली दो सब्जेक्ट्स का नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एक होता है फार्मास्यूटिक्स और एक होता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिक्स के अंदर आप पूरे फार्मास्यूटिकल जितने भी डोजेस फॉर्म है उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, वहीं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो ड्रायर्स हों, चाहे वो फिल्ट्रेशन मशीन हो, चाहे वो पैकेजिंग मशीन हो, चाहे वो कंप्रेशन मशीन हो, कोटिंग मशीन हो, इन सब के बारे में हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो अगर आप उसका अच्छा सा नॉलेज रखते हैं तो ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है इस डिपार्टमेंट में ग्रो करने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आपकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मैनेजमेंट कैपेबिलिटी से मतलब है कि यहाँ पर आप एज ए ऑफिसर जॉब करते हैं, यहाँ पर प्यून से लेकर वर्कर से लेकर काफ़ी लोग जो हैं वो आपके अंडर में काम करते हैं, तो आपको मेन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा आना चाहिए, वो लोग आपकी बात माने और आपको उनके ऊपर पूरा आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि मशीनें जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पर काम करती रहती हैं, जब तक आप प्रॉपरली मेन मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, आपके अंडर में जो काम करने वाले हैं वो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप वहाँ सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है। तो आपको एक मेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, वहाँ पर जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो आपकी बात माने, तभी वहाँ पर आप स्मूथली काम कर पाएंगे। अब वो काम कैसे, वो बात आपकी कैसे मान सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्यार से समझाते हैं, अगर वो प्यार से मान गए तो बहुत अच्छा है, और अगर आप थोड़ा डांट फटकार के अगर बात समझाना जानते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर दोनों चीज़ें चलती है। बट वहाँ पर काम होना चाहिए, बट वो कैसे हुआ है उसको कोई नहीं देखता है, बट आपको उनसे काम करवाना है, प्यार से हो या लड़ाई से हो, बट आपको काम जरूर उनसे करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनको काम ढंग से नहीं कराएंगे, अगर आप केवल प्यार की भाषा जानते हैं और उनको वो वाली भाषा समझ में नहीं आती है तो आप काफ़ी सफ़र करेंगे। तो आपको दोनों भाषा आनी चाहिए, प्यार से भी और लड़ाई वाली भी। यहाँ पर एक मैं अपनी टिप आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में काम करें, वो भी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। जो पेरेंटल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट होता है या प्रोडक्शन होता है, पेरेंटल से मतलब है जो इंजेक्शंस होते हैं वो, अगर आप वहाँ से अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आगे चल के आप काफ़ी सफ़र करेंगे, क्योंकि इसकी काफ़ी सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज होती हैं और आपको ज़्यादा इसमें स्कोप भी नहीं मिलेगा ना एक्सपोजर मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप पेरेंटल डिपार्टमेंट से ना स्टार्ट करते हुए सॉलिड डोजेस फॉर्म से स्टार्ट करें, टैबलेट और कैप्सूल से अपना करियर स्टार्ट करें अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। ये मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको आप याद रखिएगा। पेरेंटल डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप उससे रिलेटेड कि उसमें इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर मैं और भी चीज़ें क्लियर करूंगा, बट ये एक मेरी टिप थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो सैलरी ग्रोथ होती है, जो इंप्रूवमेंट होता है, जो तरक्की होती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कुछ भी नहीं है, बस आपको नज़र रखनी है कि जो मशीनें काम कर रही हैं वो सही से काम कर रही कि
नहीं कर रही है, और उनके ऊपर आपको मेजर करना है, साथ ही साथ उनका डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। अगर आपको किसी भी टाइप का डिफेक्ट्स आपके फॉर्मुलेशन के अंदर दिखाई देता है और आपको पता चलता है कि प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं होता है, तो ये आपका एक्सपीरियंस ही होगा जो बता पाएगा कि गलती कहाँ हो रही है, और आप उस गलती को सुधार के प्रोडक्शन जो है वो वापस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। वहाँ पर अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे, अगर आपको कोई गलती पकड़ में आती है, आप प्रोडक्शन रोक देते हैं और उस गलती को सुधार नहीं कर पाते हैं, आप उसको सुधारते नहीं है, आपका एक्सपीरियंस वहाँ कुछ काम नहीं आता है, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्योंकि जैसे ही मशीनें बंद हुई, प्रोडक्शन रुक गया, कंपनी को वहीं से घाटा होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंपनीज उन्हीं लड़कों को ज़्यादा मेंशन करती हैं या ज़्यादा तरक्की देती हैं या रोक के रखती हैं जिनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, और वो अपने एक्सपीरियंस के बलबूते प्रोडक्शन को कभी भी रुकने नहीं देते हैं और उसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रोडक्शन में उन्हीं लोगों की वैल्यू होती है जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और अपने एक्सपीरियंस का यूज़ भी करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जब भी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करें और आपके जो भी एक्सपीरियंस पर्सन हैं उनको आप फॉलो करें, उनकी हेल्प लें, उनकी उनसे बात करते रहें, और जब भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम वो फेस करें तो उनके साथ ये देखें कि वो कैसे उन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और वो आपको टाइम टाइम पर ये चीज़ें बताएंगे भी। हर फॉर्मुलेशन की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि इस फॉर्मुलेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसमें डिफेक्ट आता है। तो वो चीज़ें वो आपके साथ भी शेयर करेंगे कि यार ये प्रॉब्लम इसके साथ आती है तो हमको ये नहीं करना है, और यही चीज़ें फिर आपको आगे चल के काफ़ी आपकी ग्रोथ करा सकती हैं। तो ये चीज़ें आप हमेशा रखें कि एक्सपीरियंस लोगों से बात करें और उनसे अच्छे से अच्छा नॉलेज गेन करें। तो चलिए यहीं पे हम अपने वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊं तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, तो आने वाले समय पे मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं, और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।